हेलो प्रणव शर्मा सिंह तोहना उम्मीदवार आम आदमी पार्टी हल्का खेम करना तोहना नो पेंशन और फोजा जा रहे हैं। हरमन सिंह तोहना उन्होंने सिक्किया नाल तोलिया जा रहा है। पुरानी रवायत होंदी सी पहला कि आम आपां उम्मीदवार नूं उन्हां दे मानसान वास्ते सिक्किया दे नाल तोलदे सी। हुण इह रवायत खत्म हो गई लगभग, पर हुण अज सरदार बिंदर सिंह धमकू जिंदाबाद मनिहाले भी तोलिया सिक्किया दे नाल, हुण करियाले वाले भी सरदार गुलाब सिंह जिन्ना दे घर दे विच प्रोग्राम हो रहा है, बिंदर सिंह दबतू उन्हां दे नाल गाड़ी दे पूरी टीम जिन्ना ने अज दा इह बड़ा वड्डा उपराला कीता, बहुत वड्डा इकट्ठ इतिहासिक इकट्ठ है। इस तो पहला क्योंकि प्रोग्राम लगातार पछड़ रहा, बहुत ने जिन्हें भी आप बैठे हैं मेरे ख्याल भी बहुत वड्डा इकट्ठ है। तो सबना बेनती है कि आप जिते हम धुन साहब के फोटो लवा रहे हैं, उस तो बाद सारे बेनती भी बैठो ता कि प्रोग्राम शुरू किया जा सके। हमें धुन साहब को बेनती करते हैं कि आओ स्टेज पर आओ फोटो लवा के फटाफट, क्योंकि प्रोग्राम बहुत लेट चल रहा। तो धुन साहब को बेनती भी आन सीधे स्टेज पर आन, सारे बेनती भी बार बार बेनती कर रहे आप जेडे काम आते आप बैठे हाँ धुन साहब आ गए ने। सुखबीर सिंह बटवा बेनती भी आ सिर्फ दो मिनट आने उस तो बाद धुन साहब आके अपने विचार, सुखबीर सिंह बटवा वो दो मिनट आने क्योंकि वो सब तो पुराने आगू ने आम आदमी पार्टी के सुखबीर सिंह बटवा। मेरे बहुत ही सत्कारयोग जुड़क नौजवान वीर साड़ी समुची लीडरशिप और सब तो पहला फतेह की सांझ पाईए, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज तुहाडा एक ठाठा मारदा इकट्ठ वेख के ये गल यकीनी हो गई है भी आने वाले 20 तरीक नूं तुसीं जिहड़ा फतवा आम आदमी पार्टी के हक विच देण जा रहे हो भी इस तो बाद जो अकाली चाहे कांग्रेसी वो दोबारा इतने उगते नहीं। सो तगड़े हो जाओ मेरे वीर, इन्हों का समा जरा समाप्त हो चुका है। मैं वेख रहा कि जो असी 2013 के आम आदमी पार्टी का शुरुआत की सी तो लोग सानू मखौल करते, खासकर मेरे पिंड वाला विरसा वल्डोवा कहता सी लग ना झाड़ू बन के रखा करो पता लगे झाड़ू वाले हो। अच मैं क्या झाती मार के वे झाड़ू ने तेरा हाल की करना है कि तू पिंड हल्के वाले वेखण जोगा नहीं रहने देना। सो आ हालात बने पाए है कि लगभग मैं लगता इतने भी 4 घंटे लेट है आप पिंड पिंड कि एक प्रोग्राम हों उ छे बने पे है, लोग हथा पे हथ रख के बैठे है, सारे अकाली कांग्रेसी किसी राह नहीं लभ रहा इस टाइम। सो मेरे वीरों तगड़े हो जाओ, तुहाडी जित यकीनी हो गई है, तुसी ये मोर्चा फतेह कर लिया है। आने वाले समय के वीर बेनती है सारे मेरे वीर हुण थोड़ा टाइम बैठ जाओ यार, बैठ जाओ मेरे वीर साथियों। सो तगड़े होइए, आने वाली 20 तरीक नूं आपां सरदार सरवण सिंह धुन दे हक दे विच झाड़ू वाला बटन दबा के जिहड़ा फतवा है वो झाड़ू के हक के सरदार सरवण सिंह हक के देना है। सो आप सबनों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आपका चलिया होया एक एक कदम साढ़े सिर मत्थे ते है, तुसी बहुत समय तो इंतजार कर रहे हो, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो समा बहुत थोड़ा है, इनिया बेनतियां करता हाँ कि मैं जा चुका, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। हुण धुन साहब नूं बेनती भी स्टेज ते आउण क्योंकि प्रोग्राम बहुत पहला ही लेट आ,
होर भी बुलाने बहुत ने पर सबना तो माफी चाहते हैं। हम धौन साहब को बेनती है वो अपने आणके के विचार आ जो पार्टी की जो उत्ते डिस्कस कर सारे बेनती है कि स्टेज के उत्ते जिन्हें प्रेम प्यार वाले बैठे आ सारे फोटो खिचा रहे धौन साहब के नाल बहुत प्यार कर रहे हैं पर सबनों बेनती भी होना उन्होंने आप विचार सुनीए धौन साहब को एक बेनती करनी है। सब तो पहला कल मैं मेन दफ्तर गया उत्ते ना तो लिटरेचर सब जनता लै गई खो खो के झंडियां भी लै गए ने इन्हों बेनती है कि लिटरेचर दोबारा हजारों की गिनती के छुपाया जाए। हुण सरवण सिंह तुहानू उन्हां दे विचार सुनाउणे अज मेरे बहुत ही सत्कारयोग सरदार गुलाब सिंह जी के ग्रह विखे बहुत सारे मोतबर सज्जन बैठे है सरदार साहब सिंह जी सरदार बिंदर सिंह जी जथेदार साहब हरपाल सिंह जी भुल्लर साहब गोल्डी धारीवाल जी अवतार जी त्रिलोचन सिंह जी अमर सिंह सुखबीर सिंह अंग्रेज सिंह जी कुलदीप सिंह जथेदार कुलदीप सिंह चरण सिंह मनप्रीत दसाब सिंह मनप्रीत मंड रणजीत सिंह अमर ठट्ठा हरपाल सोढ़ी सुखचैन सिंह ठट्ठा सुखदेव सिंह राय जागराना पहलवान रमन कुमार पंडित कुलविंदर सिंह गुरप्रीत डॉक्टर सारे ही बड़े सत्कारयोग भरा बैठे है जिन्हों की बदौलत अज का बहुत वड्डा इकट्ठ होया मेरे तो पहला मेरा वीर सुखबीर सिंह बुलटोवा बोल के लिया ताडे ही नगर दे सरदार हरदयाल सिंह जी जिहड़े बागबानी के बहुत वड्डे अफसर है उन्होंने स्टेज की जी है कार्रवाई सामने हो रही गल भरावो हम मुकदी ये है तेरह दिन रह गए सारिया वोटा हम तेरह दिन मेरे वीरो जे आप वाकई बदलाव लैके आना फिर होर काम कार छड दिए घर के काम कार क्योंकि सीजन वेला ही काम होना जो कि कणक पकड़िया हूँ तो एको ही काम करिए जड़िया दो पार्टियां रवायती इतने रही है उन्होंने जे इतों भजाना है तो वीरो दिन रात फोका दे दिए दिन रात एक कर दिए कि इतने झाड़ू वाले की सरकार लैके आनी है। मेरे तो पहला बोलते हैं भाजी हरदयाल सिंह कह रहे थे कि कोई चोन समगरी नहीं मिल रही भाऊ हरदयाल सिंह जी प्यार ही इन्ना संगत कर रही है भी लभद ही कख नहीं वो जिन्हें भी छपा छपू के झंडे झुंडे लै गए उन्होंने जो चुक चाके फिर लै जाते गल यह है भी संगत ने इन्ना माण दिता है। मैं भराओ जिस दिन का इलेक्शन लड़न दिया सची मुची हाँ स्टेज पर खड़ा मैनू ये वेख लो भी 22-24 घंटे के 22 घंटे काम करी तो 2 घंटे सौना मिलता रात के 4 बजे तड़के दे 2 घंटे जाके भी जो डिगन लगी माड़ा मोट पै गया तो फिर 6 बजे उठ के तुर पीदा क्योंकि 30-30 मीटिंगा मेरे वीरों दिन रात हो रही इस तरह के कट हो रहे हैं बड़े बथेरा भैन भरावों कही बथेरा संगत को कही भी यार दिन अगले दिन रख लागे वो कहते यार साड़ी वालों रात 3 बजे आ जाओ 2 बजे आ जाओ असं बैठे ये तो गल एक साबित होंगी है भराओ लोग किन्ने अके पे है लोग किन्ने तंग आ चुके हैं इन्होंने रवायती पार्टियां तो सत्कार योग वीरों हुण भी तुसी जिहड़े 2 विधायक ने एक विरसा सिंह रहा ते एक हुण वाला उन्हां दी बोली तुसी वेखी होनी है किहो जी बोली बोलते हैं मैनू तो इंज लगता जिवें बंदे नूं छदाई नहीं हो जांदी जिवें बरल हो गया हुंदा गल मेरे वीरों ये है कि गाड़ी हुण कोई दिखता नहीं हुण खेड मुक चुकी है तो हुण बड़े हाथ पैर ते बड़े हाथ कंडे बनाउंदे फिरदे है बड़िया झूठिया कहानियां बनाउंदे फिरदे है क्योंकि लोगों ने वीरों उन्हां तों मुख मोड़ लिया। मैनू इंज लगता जिहड़े हालात गुरु साहब सच्चे पातशाह के 2 निशान साहब सामने झुल रहे हैं
मैं जे हंकार ना करा मैनू इंज लगता भराओ सुहागा वध गया हुण रूटा मित्र वजन दिया जिहड़ा इन्हां नूं भुलेखा सी ना कि आ मुठी पर लोग साडा की कर लैणगे जिवें सुखबीर बोल के गया भराओ नीता हुण रातां दी नींद उड्डी पई है हुण तां रात नूं सुपने विच वी तुसीं दिख रहे हो ते नाले भराओ जिहड़ा विरसा सिंह है बंदे की जबान मैं तो हिसाब ला भी कंट्रोल कर ही नहीं सकता कभी वह किसानों माड़ा बोलता है आप जाके कहते किसान संघर्ष के कोई हिस्सा पाया नहीं तो किसानों को हिसाब मंगता मेरे वीरो जे कोई बाबा बोलता तो संतों के भी खिलाफ बोलता बाबों के भी खिलाफ मैं हैरान हाँ जिहड़ा बंदा आप डाकुआ की मां है वह लोगों के उंगला चुकता फिरता मैं हैरानगी की हद है तू कुछ छड़िया हड़के दे पले दस साल तू राज कीता दह साल तू दोए दोए हथी लुटिया सरपंचियां बेचिया लोगों के परचिया ने तू पैसे लेंदा रहा लोगों को लड़ाया झगड़ाया कोई किसी को भाउण की कभी कोशिश की भराओ जड़े लोग है ये लोग इन्हें शातर है हुण जे वोटां नेड़े आउंदियां ते बड़े मेरे वीरो सच्चे सुच्चे बन के बैठदे आ भी साडे वर्गा ते कोई हैगा ही नहीं पर लोकां नूं असलीयत दा पता लग गया असलीयत की है ते जिहड़ा होण वाला MLA है वह मेरे वीरो हुण मैं तुहानूं दसदा जिद्दण दे आपां तुरे हैं पंचायतां दीआं पंचायतां टुट के अपने नाल आ रही हैं ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ ਖੇਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਮਤਾ ਰਾਮ ਗਲਾਟੀ ਹੋਣੀ ਕਿੱਕਰ ਸੋਂ ਬੋਰਡ ਸੋਣੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਬਗਰਾੜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜੋਗੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰਨਾ ਲੋਕੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੋਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਵੀਰੋ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਪਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਕਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਟੱਪ ਜੇ ਨਾਲੇ ਵੀਰੋ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ CM ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ 1000-1000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦਿਓ ਗਾਂਹ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13-14 ਦਿਨ ਆ ਮਤਲਬ 2-2, 3-3 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸੋ ਹੁਣ ਭਰਾਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਹੱਥ ਉੱਤ ਜਿੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ 4-5 ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੀ ਫਸ ਜਾਈਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਰਾ
आपो अपने पिंड सांभीए क्योंकि आ दिन 13-14 वा डोर टू डोर घर घर जाके दरवाजा खड़काइए राखी भी करनी पैनी हुण आपां सारे भरा जिहड़े जिन्ने भी भरा पिंडो पिंडी आपां ग्रुप टोली आ जिवें तुसीं मैनूं पता सारे भरा बड़ी मेहनत कर रहे हो बाकी मैं सारी टीमां नूं जिन्नियां भी हैगियां जिन्ने तुसीं इक दा भरा ना लवा बड़ी इन्ने वड्डे कट्ठ दे विच सारे तुसीं जिम्मेवार सज्जन बैठे हो हुण मेरे भी तो तगड़े हो गए आपां सारे भरा जिवें टीमां काम कर रहीआं होर मेहनत वधा दईए जिवें सारी 12-13 दी गल है बहुत वड्डी जित तुहाडी इत्थों वीरो होणी है सो मैं बहुता समां ना लवां तुहाडा धन्नवाद करदा ते झाड़ू अपना चोर निशान है ते नाले इक होर तुहानूं वधाई है जिहड़ा उतला बटन है ओह वी पहले नंबर ते अपना ही आया बोले ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਬਟਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੈ ਜਾ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੂ ਜਿੱਤੂ ਸਾਡੇ ਬਨਿਆਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਵੀ ਝਾੜੂ ਜਿੱਤੂ ਬਾੜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਲਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਘਰਿਆਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਘਰਿਆਲਾ ਗਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਓ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀਰੋ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੈਟਰੀ ਮੌਕੀ ਬੈਟਰੀ ਘਬਰਾਇਆ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਪੰਜ